बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस में आप लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। फिर कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है, ये मैंने वही जो आपको क्वेश्चन आंसर कराया उसी की पहली चार लाइनें हैं, वो जब आपने याद कर ली तो आपने वही वाली इधर लिख देनी है। मैं फिर से बता देती हूँ, दिस इज अ वंडरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये एक शानदार और थॉट प्रोवोकिंग पोएम है। थॉट प्रोवोकिंग जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जिसमें कोई फूड फॉर थॉट होती है। इन दिस पोएम, इस पोएम में एमिली डिकिंसन टॉक्स अबाउट द टेम्परेरी लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। एमिली डिकिंसन इस दुनिया की जो फानी जिंदगी है उसके बारे में बात करती है। शी बिलीव इन इमोर्टल लाइफ आफ्टर डेथ। वो मौत के बाद जो हमारी लाफानी जिंदगी है उस पर यकीन रखती है, यानी उसका मौत के बाद लाफानी जिंदगी पर यकीन है। शी बिलीव्स, वो यकीन रखती है दैट डेथ इज वेरी काइंड सिविल एंड जेंटल कंपेनियन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। के मौत जो है वो इंसानों का बहुत काइंड सिविल तहजीब याफ्ता और बड़ा शरीफ साथी है। तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। एक्सप्लेनेशन आप जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।